In today's class for fourth English grammar, let's continue our topic with the collective noun. In our previous class, we have discussed two types of nouns, proper noun and common noun. So in today's class, we'll discuss about the collective noun and abstract noun. Collective, so the collective word is collection. Collection. एक साथ, ठीक है. तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाउन आप जैसे कि याद रखेंगे कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड, किसी की भी चीज़ का नेम, किसी का भी नेम, वो सब नाउन में आते हैं. और हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स. ऑफ फर्स्ट इन कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स. कलेक्टिव नाउन इज़ वॉट? इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ फॉर ग्रुप्स, ग्रुप्स के लिए है. एक साथ जब हम किसी चीज़ को भी बुलाएंगे, उनका नाम लेंगे, देन वी कॉल्ड इट एज कलेक्टिव नाउन. फॉर हम चीज़ों के लिए बोल सकते हैं, हम पीपल के लिए बोल सकते हैं, एनिमल के लिए बोल सकते हैं. लाइक दिस वे कलेक्टिव नाउन इज देयर. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली इज ग्रुप जिसमें बहुत सारे पीपल हैं. फैमिली, एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग हैं. टीम इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर कलेक्टिव नाउन. ज्यूरी, जैसे जब जज, बहुत सारे जज बैठे होते हैं किसी चीज़ का, वो एक रिजल्ट सुनाने वाले होते हैं, तो उसको हम ज्यूरी बोलते हैं. कैटल, जिसमें कि बहुत सारे एनिमल्स एक साथ हों, तब हम उनको कैटल्स बोलेंगे. बहुत और भी एग्जांपल्स हैं, एक्सेट्रा. कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ प्लूरल और सिंगुलर. ये चीज़ आपको याद रखनी है. कलेक्टिव नाउन ज़्यादातर प्लूरल आपको मिलता है और वो सिंगुलर भी हो सकता है, क्योंकि हम कलेक्शंस में एक साथ उनको बोल रहे हैं. सो दिस इज़ कलेक्टिव नाउन. उसको याद कैसे रखना है? कलेक्टिव, कलेक्शन, कलेक्शन से ग्रुप. तो ग्रुप में जो भी चीज़ें होंगी वो सब कलेक्टिव नाउन्स में आएंगी. उसके बाद हम आते हैं सेकेंड में, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब इसमें कुछ भी चीज़ रिजेंबल नहीं करती इसकी डेफिनेशंस वर्ड के साथ. तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैनॉट बी सीन, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी. कैनॉट बी सीन बट इज़ देयर, जो हमें दिखाई नहीं देगी, जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो है. तो वो सारी चीज़ें हमारे नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी. इट हैज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, फिज़िकली उस वो कुछ है नहीं, बट उसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि पेन, कॉपी, ऐसा कुछ नहीं है. जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़. ये जिस किसके लिए रेफ़र किए जाएंगे ये नाउन? रेफ़र किए जाएंगे आइडियाज़ के लिए, क्वालिटीज़ के लिए, कंडीशंस के लिए. तो ये सब हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रुथ, सच. सच क्या हमें दिखाई देता है? क्या हम उसको छू सकते हैं? नो, बट इट इज़ देयर. सो वो है ट्रुथ. लाई, लाइज मतलब झूठ. हैप्पीनेस, खुशी. क्या ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं? नहीं, बट दे आर प्रेजेंट. खुशी, ठीक है. सॉरो, दुख प्रकट करते हैं. टाइम, टाइम है, दिखाई दे रहा. हाँ, वो वॉच है, वॉच में नीडल्स चल रही हैं, मगर टाइम, जो वक्त गुजरता चला जाता है, था, अभी है, थोड़ी देर बाद और बीत जाएगा, फिर लाइक दिस वे, वो टाइम. वो फ्रेंडशिप, मित्रता, ह्यूमर, हंसी मजाक, पेट्रियटिज्म, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं बट हमें दिखाई नहीं देती. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन टुडेज क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ दे हैव टू क्वेश्चंस दैट आई एम गिविंग यू होमवर्क. व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव नाउन? यू हैव टू राइट द डेफिनेशन विद सम मोर एग्जाम्पल्स. राइट टू सेंटेंसेस विद इन विच एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज प्रेजेंट. ऐसे दो सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रेजेंट हूँ. विद दिस विल एंड अप टुडेज क्लास, बट इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कम विद द कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक. इफ यू वॉन्ट टू मेक द नोट्स, यू कैन मेक द नोट्स ऑल्सो.